हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे साथियों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का मॉडल पेपर कब तक आ सकता है और अभी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आपको पता होगा कि आपके पास अभी 2 से 2.5 महीने टाइम बचे हुए हैं। इन 2 से 2.5 महीने में फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ और अच्छे नंबर से पास हो सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्लास 10 और 12 का दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेन पॉइंट्स पर आते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, आपको जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे उसको आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है दोस्तों, उसको आपको अंडरलाइन करना है या फिर उसको कॉपी में नोट्स करना है, ठीक हो। उसको आपको कॉपी में दोस्तों नोट्स करना है। इससे यह फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए उस समय आप पूरा बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी आपको जो भी पॉइंट्स आप अंडरलाइन किए हैं उसी या फिर जो कॉपी में नोट्स किए हैं दोस्तों, उसी को आपको सीधा पढ़ लेना है, ठीक है। इससे दोस्तों यही फ़ायदा होगा। और दोस्तों जो मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप लोग निश्चित ही देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, जो आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा वो है आपका मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका दोस्तों लगभग दोस्तों 70 से 80% क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे रहेंगे दोस्तों, तो आप सिर्फ एग्ज़ाम में पास हो सकेंगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको अभी अच्छे से पढ़ना है। बात रही दोस्तों मॉडल पेपर कब तक आ सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका मान लीजिए आपका 30 से, ठीक है, 30 से 1 तारीख के बीच में आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। इसके लिए आपको निश्चित रहना है 30 से दोस्तों 1 तारीख के बीच में आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। और जैसे ही मॉडल पेपर आता है दोस्तों उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा फ्रेंड्स, हर एक सेट का आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, चाहे आप क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, क्लास 11 हो या फिर क्लास 12 हो। आप जिस भी क्लास के विद्यार्थी हो दोस्तों, आपका जो भी सेट आएगा दोस्तों आपका हर एक सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस बार दोस्तों आपको पता होगा कि आपका एक एक सेट जारी होगा और आपका क्वेश्चन बैंक भी जारी होगा। तो इन दोनों को दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इन दोनों को फ्रेंड्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। यही दोस्तों मेरा पॉइंट्स था। अगर आप इसको फॉलो करते हैं दोस्तों तो आप लोग मान के चलिए निश्चित ही दोस्तों आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।